ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार के लाल लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद में अब कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा है। एक ओर जहां लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव लगातार राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमलावर हैं, तो वहीं लालू के छोटे लाल तेजस्वी जगदानंद के साथ खड़े नजर आते हैं। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद की छात्र इकाई के अध्यक्ष आकाश यादव को उनके पद से हटा दिया था और गगन कुमार को यह पद दे दिया था। आकाश यादव तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं और उन्हें पिछले साल मई महीने में छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया था। सूत्रों के अनुसार जगदानंद सिंह ने आकाश सिंह को हटाने की घोषणा से पहले कुछ घंटे तेजस्वी यादव से फोन पर चर्चा की थी, जिसके बाद से तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच कुछ भी ठीक न होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आकाश यादव को हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने किसी प्रवासी सलाहकार का जिक्र करते हुए उसे पार्टी और लालू परिवार के बीच मतभेद पैदा करने वाला बताया है। इस पूरे मसले पर ट्वीट करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिस प्रवासी सलाहकार के इशारों पर पार्टी चल रही है, वो हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच नहीं बनवा सकता। वो खाक मेरे अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएगा। वो प्रवासी सलाहकार सिर्फ लालू परिवार और राजद में मतभेद पैदा कर सकता है। तेज प्रताप के इस ट्वीट को तेजस्वी यादव के चुनावी रणनीतिकार संजय यादव पर सीधा निशाना माना जा रहा है। हालांकि इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव को छात्र इकाई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर जगदानंद सिंह का बिना नाम लिए निशाना साधा। तेज प्रताप यादव ने एक अन्य ट्वीट करते हुए कहा कि प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलता है और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पद मुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ है। इस बयान के बाद गुरुवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर जगदानंद सिंह के खिलाफ पार्टी की ओर से कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा। वहीं गुरुवार को जब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने तेज प्रताप यादव को पहचानने से ही मना कर दिया। सिंह ने कहा कि कौन है तेज प्रताप यादव, वह सिर्फ लालू यादव को जानते हैं और जो अध्यक्ष हैं। जगदानंद सिंह ने इस दौरान मीडिया को यहां तक कह दिया कि आप लोग मुझसे तेज प्रताप से जुड़े सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वह आपको खिलाता पिलाता होगा। वहीं जब मीडिया ने जगदानंद सिंह द्वारा आकाश यादव को हटाए जाने के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है। हालांकि हमसे गलती हुई है कि हमने उस वक्त संगठन नहीं बनाया था, जिसे कि कल बनाया गया। अब इसमें किसी को हटाने का कोई मामला ही नहीं। हमारी संविधान में धारा 25 है, उसके तहत राज्य के अध्यक्ष ही उसका चुनाव करेंगे। जब उस पद पर कोई था ही नहीं, तो किसी को हटाने व किसी से पूछने का सवाल ही नहीं। आपको बता दें कि जब से जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच आपसी खींचतान उजागर हुई है, तभी से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी मुख्यालय से दूरी बना ली थी। इसी को लेकर जब जगदानंद सिंह से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, इस कारण दफ्तर नहीं आ सका। तो वहीं तेज प्रताप यादव द्वारा जगदानंद को हिटलर बुलाए जाने पर सिंह ने कहा कि ना तो हमें कोई कुछ कहता है और ना ही हमने कुछ सुना। पार्टी के अंदर मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मेरे लिए पार्टी पहली प्राथमिकता है और उससे ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो, मेरा बेटा ही क्यों नहीं। वहीं जब आकाश यादव के निष्कासन को लेकर तेजस्वी यादव से पूछा गया, तो उन्होंने इसे सही ठहराया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद की छात्र इकाई ही नहीं, प्रदेश में पूरे संगठन की जिम्मेवारी जगदानंद पर है। वह किसी को भी हटा सकते हैं और किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही तेजस्वी यादव ने गगन के मनोनयन को भी सही ठहराया। वहीं राजद के भीतर चल रही आपसी खींचतान को लेकर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने चुटकी ली है। जेडीयू नेता व पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जब हम प्रवासी कहते थे तो इन्हें मिर्ची लगती थी, अब तो प्रवासी सलाहकार कहा गया। पार्टी को पारिवारिक संपत्ति समझने वालों का आंतरिक कलह अब सबके सामने आ गया है। जगदानंद सिंह को पार्टी संविधान का आईना दिखाया गया। राजनीति में जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है। जगदानंद सिंह की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही। पद के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।